This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम जो ख़बरें हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। हमने देखा कि पीएसएल 22 फरवरी को उसका आगाज़ हुआ और 34 मैचेस के बाद 25 मार्च 2018 को कराची के नेशनल स्टेडियम में उसका फ़ाइनल खेला गया। कराची नेशनल स्टेडियम में ये जो फ़ाइनल है, ये 9 साल के बाद कोई भी क्रिकेट का इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो थे वो मौजूद थे और हमने देखा कि कराची की आवाम, सिंध हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी इदारे, वफाकी हुकूमत, सब ने मिलकर इस अहम और जो इशू जो एक इवेंट था उसको कामयाब बनाया। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि जो पीएसएल का इवेंट रहा वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लाने और इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान लाने में किस हद तक कामयाब रहा, और इसको कुछ इख्तलाफात ज़रूर हुए लेकिन हम उसको आज के प्रोग्राम में ना डिस्कस करें, ज़्यादा बेहतर है। लोगों ने कहा कि जिस तरह सिक्योरिटी की वजह से ब्लॉक्स की गई, कुछ लोगों को जो है परेशानी का जो है सामना करना पड़ा, तो वो अमल जो है वो दुरुस्त नहीं था, और इतनी सिक्योरिटी के अंदर तो वज़ीरिस्तान या अफ़गानिस्तान में भी मैचेस हो सकते हैं। ये तनकीद ज़रूर की गई, लेकिन बिसाइड ये तमाम जो पॉइंट रेज़ किए गए, अगर हम देखें तो सिंध हुकूमत, रेंजर्स, अफवाज पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, हमने देखा पंजाब में दो अहम मैचेस हुए लाहौर में, ये तमाम उनका इनेकाद करना और इस कामयाबी के साथ, ये दहशतगर्दों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था। उनको ये बताना ज़रूरी था कि कराची समेत पूरा पाकिस्तान जो है वो अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन जगह है। क्रिकेट का मैच अगर हम देखें, कोई लीग हो या इंटरनेशनल इवेंट हो, सबसे बेहतरीन जगह है। और हमने देखा कि कल जिस तरह का क्राउड मौजूद था और जिस तरह का रिस्पांस हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को मिला, वो अपनी मिसाल आप था। इस कामयाब इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के हद तक पाकिस्तान में जो है वो हम देख रहे हैं कि आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का दौरा जो है वो बिल्कुल करीब है। उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे और उसको कामयाब किस तरह किया जा सकता है। कराची और दीगर शहरों में जिस तरह पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने कहा है कि ये इस दफ़ा लाहौर और कराची के बाद पीएसएल 4 में हम कोशिश ये हमारी होगी कि दीगर शहरों के अंदर भी पीएसएल के मैचेस जो है उनका इनेकाद कराया जाए। पीएसएल के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। दूसरी आम बड़ी खबर जो है, हम ये देख रहे थे कि 5 फरवरी से एक जो कन्फ्यूजन और इख्तलाफात और तनाज़ात में घिरी हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो शिकार थी। आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुंवर नवीद जमील और खालिद मकबूल सदीकी की दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर थे, उनको उस अहदे से हटा दिया है। अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो है कन्वीनर नहीं रहे हैं। एमक्यूएम का कानूनी कन्वीनर कौन है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तसर फ़ैसला जो है सुनाते हुए कुंवर नवीद जमील और खालिद मकबूल सदीकी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, और मुख्तसर फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम पाकिस्तान का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है उसको भी कलअदम करार देते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान की जनरल वर्कर्स असम्बली की करारदाद को भी जो है मुस्तरद कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कराची में अब ये जो तनाज़ात में घिरी हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, अगर देखा जाए तो इसका फ़ायदा जो है किसको होगा मुस्तकबिल करीब में, जब जनरल इलेक्शन अब नज़दीक आते जा रहे हैं, तो क्या दीगर जो धड़ेबंदियाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में हुई हैं वो इकट्ठे होकर
कोई इलेक्शन की कैंपेन या इलेक्शन के हवाले से स्ट्रैटेजी जो है वो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और अगर नहीं बनाते तो इसका फ़ायदा क्या होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से अगर बात करें तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा। हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी जो है वो काफ़ी एक्टिव हुए हैं और बात भी कर रहे हैं, उनकी मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कराची के अगर हवाले से बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो साबिक रुकन थे, सीनियर रहनुमा जो थे डॉक्टर आमिर लियाकत, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। तो कराची की सियासत के हवाले से पीटीआई का इस इकदाम को कराची की सियासत पर क्या असर डालेगा, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात करें जो कि नुमाइंदा शहरी नुमाइंदा जमात है, वो अगर नहीं होती है इलेक्शन के हवाले से या इस तनाज़ात में फंसी रहती है तो कराची समेत शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात कौन होगी, और इसका फ़ायदा इन तनाज़ात का हमने देखा पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन में तो ज़रूर हासिल किया, आगे आने वाले दिनों में कौन हासिल करेगा, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तैमूर सयाल साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। अब से कुछ देर में सैफुल्ला खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, इनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और सबसे पहले हम पीएसएल की बात करते हैं। जब पीएसएल की बात करते हैं तो बिज़नेस प्लस ने एक खसूसी ट्रांसमिशन जो है वो प्लान की जोश जनून के नाम से, और उसको हमारे क्रिकेट के शायकीन के लिए वो प्लान किया ये प्रोग्राम, और बड़ा कामयाबी के साथ जो है असफर खानजादा ने उसको ले कर चले। बिज़नेस प्लस पर स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनको सबसे पहले शामिल करते हैं और इनसे जानते हैं पीएसएल के हवाले से। पूरा एक माह से ज़ायद अरसा जो है वो क्रिकेट के जो जुनून है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनका प्रोग्राम जो है वो किस तरह रहा। अच्छा असवर, ये बताइएगा पीएसएल के पहले मैच के बाद से आज तक 25 मार्च तक आपने जो है जोश जुनून का प्रोग्राम किया, रोज़ाना आप बताते थे, पाकिस्तान में शायद वाहिद टीवी चैनल बिज़नेस प्लस था जिन्होंने पिच से पहले मैच से पहले जो है पिच की सूरत हाल के बारे में बताया था। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस और क्या आप समझते हैं पीएसएल की इनेकाद के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा, किस हद तक कामयाब रही हमारी पीसीबी भी, सिक्योरिटी इदारे भी, वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी? देखें एक्सपीरियंस तो रहा ऐसा बड़ा ज़बरदस्त रहा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह आप लोगों ने, इस मैनेजमेंट ने और जिस तरह आपने सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे जो पैनलिस्ट थे उनके वो तमाम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एतमाद किया और हमने डिलीवर करके दिखाया। पीएसएल की अगर बात की जाए तो इनेकाद की और जो हमने देखा जो फाइनल कराची में हुआ, ये सिक्योरिटी इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। 9 साल बाद कराची में क्रिकेट आई, जो उसके बाद जो जोशो खरोश था लोगों का वो देखने के काबिल था। एक दिन पहले हम सैटरडे को मौजूद थे स्टेडियम में और उस टाइम 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था और उस टाइम पब्लिक जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी वो जश्न का समा था, वो देखने के काबिल था जिस तरह उन्होंने एंजॉय किया ये पीएसएल फाइनल को। और पीएसएल की अगर बात की जाए तो पीएसएल जो 2 सीज़न थे पिछले वो भी कामयाब थे और जिस तरह ये तीसरा सीज़न है इसमें हमें नए 3 जो प्लेयर्स हैं जो टैलेंट हैं नए वो हमें मिले हैं, जिसमें आसिफ अली, हुसैन तलत और शाहीन आफरीदी ये टीम में अनाउंस भी हो गए हैं और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये अपना डेब्यू भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा कंपैरिजन में हम ज़रूर जाएंगे, क्रिकेट जो है अगर देखा जाए तो इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, तो हम देखते हैं कि जुनून है क्रिकेट के लिए। IPL के साथ अगर उस तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि अब आने वाला है, IPL के साथ अगर उसका मुवाजना किया जाए PSL का, तो आप कैसे समझते हैं कि किस हद तक आवाम को इंटरनेशनली अगर हम बात करें, प्लेयर्स की भी बात करें और PSL को मनवाने के हवाले से बात करें, किस हद तक कामयाब रहे? देखिए IPL की अगर आप बात करें तो IPL जिस तरह मिसअप हुआ था 2009 में पाकिस्तान में लाहौर में, उसके बाद से क्रिकेट पे बैन लग गया था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बंद कर दी गई थी। इंडिया में ऐसा कोई मिसअप नहीं हुआ था, IPL के हमसे पहले स्टार्ट हुआ हुआ है, उसकी पजीराई बाकी काफ़ी ज़्यादा है और PCB का काम भी बनता है। जिस तरह IPL की एडवर्टाइजमेंट होती है, साल पहले से उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है, उस तरह उन्होंने नहीं की। आपने देखा कि दुबई और शारजा में हम क्राउड को लाने में नाकाम हो गए थे, आप देखते रहे थे कि स्टेडियम बिल्कुल ही खाली थे। फ्राइडे को थोड़ा बहुत होता था क्योंकि वहाँ हॉलीडे होता है, इस वजह से शायकीन आते थे, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी PCB को ठीक करनी पड़ेगी। हम अपने PSL को जितनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतने प्लेयर्स और क्राउड भी उतना ही आएगा। अब आप देखेंगे जिस तरह कराची और पाकिस्तान में प्लेयर्स आए हैं, 2 प्लेयर से एक
केविन पेटिसन थे और शैन वॉटसन थे जिन्होंने आने से माजरत की। जेपी डुमिनी के बोर्ड ने, साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने उन्हें आने से मना किया। उन्होंने बोला मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं अपने रिस्क पे जाऊंगा, और वो आए, उन्होंने पैगाम दिया इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है, यहाँ आके खेलें, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। और जितना इसका क्रेडिट एजेंसी को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिया। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से। आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर, जैसे हम मार्केटिंग की बात करें, अगर पाकिस्तान में उसका इनेकाद किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके। मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा जो है खेल रही थी इस इवेंट में, तो क्या समझते हैं कि किस हद तक उन्होंने परफॉर्म किया? और अगर हम क्वालिफाइंग राउंड के हवाले से बात करें तो उससे पहले सिचुएशन कुछ और थी। मुल्तान सुल्तान सबसे ऊपर थी और हमने देखा कि वो फिर वो इवेंट से भी बाहर हो जाती है। लास्ट के मैचेस में पेशावर ज़ल्मी जो है हार रही थी और वो फिर कमबैक करती है और वो फाइनल तक आ जाती है। तो आप समझ रहे थे कि जो उस वक्त डिज़ाइन था और जो पॉइंट्स टेबल पर टीमें ऊपर थीं वो फाइनल तक नहीं आईं और फाइनल में और जो हैं टीमें बाहर आईं? देखें, मुल्तान सुल्तान्स की आप बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स जब ये टूर्नामेंट में नया एडिशन था एक नई टीम का, उन्होंने परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग दी स्टार्ट में। उसके बाद वसीम अकरम उनके कोच थे जिसकी वजह से वो टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद हमने देखा कि जो टॉप वो टेबल पे थे, पॉइंट टेबल पे मुल्तान सुल्तान्स थे, कराची किंग्स थी और क्वेटा ग्लेडिएटर थे। उसके बाद परफॉर्मेंस में अचानक उनके जितने एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनकी बैटिंग फेल हुई, उनके मिडल ऑर्डर नहीं चले और वो जो उस पर डिपेंड कर रहे थे वो सिर्फ कर रहे थे कुमार संगकारा पे। और अहमद शहजाद से जैसे कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती क्योंकि अब यंगस्टर को चांस देना चाहिए, उन्हें हमें काफ़ी चांस दे चुके हैं, तो अहमद शहजाद से वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुल्तान सुल्तान अच्छी टीम थी, संगकारा नहीं चले, वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। पॉइंट टेबल की भी तरह हमारे नाज़रीन को बता दें, फिर हम अपने पैनलिस्ट की तरफ भी चलें। पॉइंट टेबल्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट टेबल्स पे एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, मतलब आप खुद शो भी कर रहे थे, आपको अंदाज़ा भी था, आप खुद क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो है वो फाइनल होगा? देखें, जिस तरह पीएसएल का स्टार्ट हुआ था और जिस तरह की इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये अगले राउंड तक भी नहीं जा सकेगी ये टीम। जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, मिसबा ने जिस तरह टीम को जेल किया, उसके बाद फिर आके जेपी डुमिनी ने उसकी कैप्टनसी की, और जिस तरह जो यंगस्टर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के उनको क्रेडिट देना चाहिए, मिसबा ने खुद बैठ के उनको खिलाया और उनसे परफॉर्मेंस ली। तो ये एक होता है बड़े प्लेयर का कि अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं अच्छा, हो रही, वो अक्सर वक्त की कमी है, चीज़ें बहुत सारी हैं आपसे पूछने की और आपसे डिस्कस करने की, लेकिन अहम नुकात जो है वो शामिल कर लेते हैं। फिर अब मैं आखिरी एक सवाल, किस हद तक आप ये समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में ये एतमाद देने के हवाले से कामयाब रहा इवेंट, कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जैसे बाकी ममालिक जो हैं पुरअमन हैं और अमन अमान का कोई मसला नहीं है, बेहतरीन जगह है, क्राउड के हवाले से बात करें, इंतजाम के हवाले से बात करें, तो क्या ये बावर कराने में कामयाब रहे? एक बात। दूसरी बात, क्रिकेटर्स के हवाले से बताइएगा, IPL हो, PSL हो या और कोई लीग्स हो, उसमें जो यंग ब्लड आता है वो हमारे सीखता है और फिर आगे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें सपोर्टिव होता है, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक कामयाब रहे हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ अपने यंग ब्लड को खिलाने के हवाले से, जो सीखने के हवाले से बात करें और वो आगे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल काफ़ी हद तक, बल्कि ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं फॉरनर्स प्लेयर्स को ला के यहाँ खिलाने में। और जो आपने यंगस्टर की बात की, यंगस्टर ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी, हम दोनों शोबों में कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाला जो PSL है, नजम सिटी का जैसे कहना है, मुल्तान, रावलपिंडी और हैदराबाद में आने वाले जो PSL है, ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। हम पाकिस्तान के हर शहर में PSL के मैचेस कराएं और क्राउड को इकट्ठा करने में कामयाब हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असवर, और बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी कामयाब जो है अपने प्रोग्राम्स और एक ट्रांसमिशन जो है वो की इस तमाम IPL के दौरान, आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच राजा साहब। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आफ्ताब साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था इंटरनेशनल, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चांद रात हुई हुई है, जिस तरह इंतजाम हुए एक दिन पहले हम देख रहे थे, और क्रिकेट का जो जुनून है वो कराची की आवाम के सर पर था। आप सिक्योरिटी के लिए भी देखें, लोगों ने थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर फेस की, लेकिन उन्होंने बड़ी खुशदिली से इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये हमारे और हमारे प्लेयर्स के लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने बड़ा आपको सपोर्टिव एंड पे देखा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक एक सवाल करूंगा उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आएंगे, आप किस हद तक समझते हैं कि बड़ा अच्छा इवेंट रहा और क्रिकेटर्स के लिए भी अच्छा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साहब। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया,
और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेस की ना इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, कि मैंने ये महसूस किया कि हमारे यहाँ छोटे से बच्चे से लेकर और एक बुज़ुर्ग शख्स इन्वॉल्व था, और वो जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा था उसका अंदाज़ा बड़ा ही डिफरेंट था। कोई पिशावर को सपोर्ट कर रहा है, कोई क्वेटा को कर रहा है, कोई कराची को कर रहा है। तो ये मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जैसे 14 अगस्त और 23 मार्च, हमारे अपने घर पे मैं अपनी फैमिली के साथ देख रहा था, तो मेरे वालिद और मैं जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और अम्मी जो हैं वो डाई हार्ट फैन थी पेशावर जालमी की, तो वो करीब भी हमें नहीं बैठने दे रही थी जब हम अगर पेशावर जालमी के बारे में बात कर रहे थे। राय साहब, मेरा एक भतीजा है और हो सकता है फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला वो बड़ी क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि वो अभी से इंग्लैंड के अंदर क्लब क्रिकेट खेलता है, और तो उसने पेशावर की पहनी हुई थी लंदन से, वो डायरेक्ट दिखा रहे हो उस ना, उसके छोटे भाई ने इस्लामाबाद की पहनी हुई थी। अच्छा, वो छोटा क्या करता था कि जब प्लेयर आउट होता था पेशावर का तो वो लाल वाली पहन लेता था, जब लाल वाली प्लेयर के कैच छूटता था या कुछ होता था तो वो पीली वाली पहन लेता था शर्ट। तो मतलब उससे ये अंदाज़ा मुझे, तो आपकी मुबारकबाद वैसे सिंध हुकूमत को भी देते हैं। नहीं बिल्कुल, ये देखें ये स्पोर्ट्स है, मैं ही कह रहा हूँ, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल इतना मेहनत के साथ हमारी सिटी गवर्नमेंट ने, हमारी सूबाई हुकूमत ने, हर उस कदम का मैं समझता हूँ कि हर वो आदमी मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जिसने इस पूरे इवेंट के अंदर हिस्सा लिया, वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था, और ये बड़ी बेहतर इमेज जो है, मैं ये समझता हूँ कि अब आप यकीन करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है दोबारा से पूरी तरह, जैसे अभी तो टेम्परेरी है ना कि कुछ मैचेस वहाँ होते हैं, कुछ ये फाइनल यहाँ हुआ, वो वक्त दूर नहीं कि पूरे टूर्नामेंट्स, पूरी पूरी टीमें, पूरा टेस्ट सीरीज 21 डे पाकिस्तान में होगी। और मैं एक बार फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस्लामाबाद को भी, कि वो इस्लामाबाद ने कल का टूर्नामेंट जीता, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। आपके लिए मेरे ख्याल में एक तमाम इख्तलाफात, नज़रियाती जो है वो इख्तलाफात साइड पे रख के, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की पूरी आवाम, बात करें वो इस बात पर मुत्तफिक है कि जिस तरह का इवेंट हमारी लाहौर में सूबाई हुकूमत ने ऑर्गेनाइज़ किया, फिर वफाकी हुकूमत ने साथ दिया, सिक्योरिटी इदारों ने साथ दिया, इसी तरह सिंध हुकूमत की बात करें, हमारी शहरी हुकूमत हो, हमारी सूबाई हुकूमत हो, जिस मेहनत के साथ और जिस लगन के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम, मेरे ख्याल में ये काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाब रहे हम ये इमेज बिल्ड करने में कि कराची भी बाकी ममालिक और शहरों की तरह जो है पुरअमन शहर है, और यहाँ पे जो है वो क्रिकेट का इनेकाद होना चाहिए इंटरनेशनल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जिस तरह अपनी तमहीदी गुफ्तगु में फरमाया कि तमाम तर इख्तलाफात को बरोएकार या पसे पुश्त रख के हम अपनी बात करें, तो ये बहुत बड़ा पैगाम है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान के वो तमाम लोग जिन्होंने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किया है, इवन वो सपोर्टर्स जो स्टेडियम में गए और उन्होंने जाकर इस मैच से लुत्फानंदोज़ हुए। देखें, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है इसने बहुत सारे पैगाम दिए हैं, सियासी पैगाम भी हैं, इसको आप सोशल पैगाम भी समझें। अब आप ये देखें कि इसमें गवर्नमेंट्स के भी बहुत बड़े किरदार हैं। अब आप पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल ग्राउंड हैं लेकिन कराची को ही क्यों चुना गया? तो ये इस बात का अंदिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं हालात बेहतर हुए और इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है तो वो पूरे पाकिस्तान में कराची वो वाहिद शहर है जहां पर जो है वो पुरअमन तरीके से क्रिकेट खेली जा सकती है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाता है। और हमने देखा सियाल भाई, जिस तरह कराची की आवाम ने हमारी हुकूमत के साथ मिल के, अब मतलब कोई चरागा जो किया गया, जो सपोर्ट किया गया, मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कभी कराची में इस तरह का कभी ये हाइप बनी हो क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल, ईद का सा समा था और मैं समझता हूँ कि ईद के समा से भी ज़्यादा रोशन समा था। अच्छा, एक और चीज़ माजरत के साथ कहता कलामी, मैं अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ, जब हम मॉनिटर कर रहे थे ये सारी स्टार्ट हुआ सुबह में, तो सुहेल अनवर सियाल साहब वज़ीर दाखिला सुबाई, वो उनकी गाड़ी आई है, चेकिंग उन्होंने पूरी करवाई है, और उन्होंने कोई इस तरह का वो रोब नहीं दिया कि नहीं मैं तो वज़ीर दाखला हूँ और मैं चेकिंग नहीं करवाऊँगा, पूरी चेकिंग हुई है, सबकी
चेकिंग होने के बाद वो फिर आगे से जाते थे और इसको बड़ा एक्सेप्ट कर रहे थे। अच्छा, एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वज़ीर हैं उनके मिजाज में ये चीज़ शामिल है, उनकी तरबियत में ये चीज़ शामिल है, वो कभी भी अपने आप को सुपीरियर नहीं समझते, वो अपने आप को आवाम का खिदमतगार समझते हैं और हमेशा फोर्सेस का और दीगर इदारों का हमेशा ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब आगे भी अब आप ये देखें ना, अब ये मैच पेशावर में भी हो सकता था, वो नाम निहाद एक बात करते हैं कि हमने बड़ा चेंज कर दिया और बड़ी चेंजिंग लिया है। अभी फिर सियासी बना है ना, मैं खेल खेल के अंदर ना सियासत को ना डालो राजा साहब, मैंने ये आपने गलत सियासत को ना डालो, सियासी रखा, ये स्पोर्ट्स था। सियाल साहब ने शुरू से इसको सियासी बनाने की कोशिश की, ये मुनासिब नहीं है कि कराची के अंदर पुरअमन अगर हुआ है ये फाइनल, तो ये कराची के शहरियों की इस बात के मुस्तहिक है। हमें सैफुल्ला खान साहब ने जो है, सैफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है ब्रेक में, साहब भाई आपकी कमी थी वैसे थोड़ी सी, इसीलिए मैं जरा बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक मुझसे रابطہ किया नहीं, मैंने अभी आपका रابطہ आ गया ना, रابطہ आप तो रابطہ कमेटी जो है जो कर रही है उस पे बात तो बात करते हैं, मैच की जो बात हो रही है, मैच के मैं आपसे सवाल जो है साहब भाई, आप क्या समझते हैं कि नहीं, मैच पे पहले बात करना चाहूंगा, एक मिनट की, मैं वही सवाल कर रहा था, दुखी रंग पे मैंने, दुखी रंग पे नहीं रखा आपने वो नाम, देखिए बात ये है कि ये वो नहीं, इंशाल्लाह मैं देखिए पेशावर में भी अगले साल होगा, अल्लाह करे, अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, राहुल समी ने ये कहा कि मैं जीतता मैं जरूर जाऊंगा पेशावर में, जाता और मुझे पता है कि पेशावर पुरअमन शहर है, बिल्कुल बिल्कुल जाता, ये मैसेज जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। बात ये है कि आपके हैदराबाद में क्यों नहीं हुआ, अब आप कराने की बात कर रहे हैं, आपके लाड़काना में क्यों नहीं होता, बात ये है कराची शहर है, दो शहर है लाहौर, वैसे स्टेडियम नहीं है, ये भी आपकी गलती है, यही ना किसी वजह बनाना चाहिए ना, फिर क्रिकेट के हवाले से तो यार स्पोर्ट्स के हवाले से इस तरीके से सिंध तरक्की नहीं नहीं कोई तरक्की नहीं कर रहा, कोई तरक्की नहीं कर रहा बेहतरीन, राजा साहब यार खेल को खेल रहे हैं, आएंगे ना उस पे राजा साहब, गलत बात, अब आप ये देखिए राजा साहब, दो शहर है लाहौर कदाफी स्टेडियम और कराची सर, पेशावर का भी है, ले अभी हैदराबाद का भी है, सब है, वो अलग बात है कि आप उसको शादी के लिए आपने ठेके पे दिया हुआ है, शादी की तकरार हैदराबाद में होती है उसमें, हैदराबाद मैं आपको अर्ज करूं, सर एक मिनट सैफ भाई, एक मिनट सैफ भाई, एक बात मैं आपको अर्ज करूं, फाइनल में कौन कौन सी टीमें आई हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी, पेशावर जलमी ना, अब इखलाकी तौर पर अगर कुछ करके दिखाया होता जलमी भी ले आते। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कराची की 90% आबादी जो थी वो पेशावर जलमी की तरह, मेरी पूरी फैमिली पेशावर जलमी के साथ थी, बावजूद उनको पता है ना कि पेशावर वाले ज्यादा मेहमान नवाज, बहुत अच्छे लोग हैं, खेल का मेहमान नवाजी ये अलग चीज है। अच्छा अब इसके आप लम्हे फिक्रिया देखें कि नाम से साहब को तो लड़काना पेरिस नजर आता है, नाम से ही सही, सियाल साहब से क्या बहस करूं, नाम से ही सही, लेकिन पेशावर जलमी तो था ना, अब आप पेशावर और आपके घर वाले पसंद कर रहे थे उसको, और पेशावर समझ कर ही, पेशावर समझ कर सुबाइयत और इसकी तासुबियत की बात ना करें ना, पेशावर समझ कर इमरान खान साहब फाइनल देखने आ जाते, कराची किंग कामयाब इनेकाद के ऊपर पीएसएल के, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आपकी आपकी नजर में आप क्या समझते हैं, दहशत गर्दों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि जो है ना हौसले पस्त होंगे, ना हम जो है हिलाया जा सकता है, जो भी दहशतगर्दी हमने फेस की है पिछले 18 सालों के दौरान दहशतगर्दी के इत्तेहादी सपोर्टिव होने के हवाले से, आपके ख्याल में उस दहशतगर्दी को रोकने के बाद इस तरह के कामयाब इवेंट, ये दहशतगर्दों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बहुत है? बहुत वैलिड आपने बात की है, बात यह कि कराची जो है ना, ये इसमें 9 साल बाद ये कोई इतना बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ है, और ये कराची वालों को इसकी अप्रिसिएशन भी जाता है, और जो हकूमती दूसरे इदारे जितने भी है बहरहाल उन सब के मिले जुले एफर्ट्स हैं बमाए कराची कराचियंस के। अब सूरत हाल ये है कि कराची में 9 साल बाद जो हुआ है, कराची बेसिकली अगर 47 से उठा के देखें, कराची मोहब्बत और प्यार करने वालों का शहर है, कराची में पाकिस्तान की क्यों ना बात करें, सुबाइयत की बात ना करें ना सलीम भाई, देखे, 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 ना करें ना, अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं बिल्कुल गैर सियासी गैर सुबाई बात कर रहा हूँ, तासुबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कराची का मसला नहीं था, असल जो क्लैश जो हुआ था या असल धमाका जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था और श्रीलंकन्स पे हुआ था, और वो सियासी नहीं था, वो जहादी था, श्रीलंकन्स पे हुआ था और जहादी था, और वो शख्स है जिसने कहा था मुझे दोबारा छोड़ो कि मैं 100 मरता यही काम करूंगा,
लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता और उसका लिया गया ना कहा ऑपरेशन जरबे अज़ जो है सर एक मिनट सवाद का ऑपरेशन सर वो सर, क्या मेरे और आपके खिलाफ था लेकिन लेकिन ऐसे ना करें ना सर ऐसे ना करें फिर वही लाहौर है सिक्योरिटी फोर्सेस की जान जान कुर्बानी वो आप मतलब उसको सिक्योरिटी फोर्सेस है 50,000 से ज्यादा हमारे शहीद हुए मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है 50,000 के करीब सैफुल्लाह भाई कराची में कुछ नहीं हुआ मिला के सर एक वाकया हुआ उसके बाद एक सर या तो आप बोल रहे आप आधे घंटे से बोल रहे थे मैं तो आधे घंटे से नहीं आप आए देर में ना मैं क्या करूं आप लेट मी कंप्लीट माय वर्डिंग्स बात ये कि ये असल जो हुआ था ये श्रीलंका के ऊपर हुआ था कराची में एक हुआ था न्यूजीलैंड के ऊपर सर एक बात उसका असर लाके एक बात माजूद के साथ कराची भाई हम ना कहीं और चले गए हम कहीं और चले गए हम कहीं और चले गए मैं आपसे कुछ और गलत ट्रैक कराची की बात नहीं कर रहा कराची समेत पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से एक मुनज्जम तरीके से अलग किया गया हमें दीवार के साथ लगाया गया क्या श्रीलंका में हालात खराब नहीं थे जब पाकिस्तान जाया करता था इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से क्या अगर बात करें वेस्ट इंडीज के हवाले से बात करें अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें अगर हम बात करें इंडिया के हवाले से जहां पे पिचे खोद दी हुआ था वर्ल्ड कप पे पिचे खोद दी जाती थी तो इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में तो है ही नहीं इंडिया में कहीं ज्यादा है अब वो इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान को अलग किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट से मुनज्जम तरीके से अलग किया गया एक वाकये को बेस बनाकर इस तरह के वाकयात जो हैं वो हर जगह पे होते हैं और उसको किसी एक चीज़ के साथ या खेल के साथ रिलेट करना मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है आप क्या समझते हैं कि ये एक कामयाब इनेकाद PSL का किस हद तक कामयाब रहे हम दहशत गर्दों को ये मैसेज देने में कि हमारे हौसले पस्त नहीं हुए ये तो देखें अगर जो जहाँ तक मैसेज की बात है ये तो 100% एक क्लियर मैसेज गया है कि जी पब्लिक और हुकूमती अदारे दे आर स्ट्रॉन्गर देन द अदर पीपल ठीक है ना तो अब ये कि ये क्रेडिट देते हैं आप सिंध हुकूमत समेत हमारे सिक्योरिटी इदारों को वफाकी हुकूमत को सुभाई हुकूमतों को बलदियाती जो हमारा मैं सबको क्रेडिट देता हूं सबसे ज्यादा लेकिन कराची की आवाम को क्रेडिट देता हूं बल्कि सिंध की आवाम को क्योंकि हमारे ना और भाई भी जो सिंध की बात है इंटीरियर के अंदर एक मैच हुआ ना फाइनल तो लाहौर के अंदर तो दो मैच हुए तो ज्यादा फिर अगर इसी हिसाब से तनासुब के हिसाब से देखा जाए तो फिर लाहौरियन को ज्यादा देना चाहिए क्रेडिट ये बात नहीं मेहमान नवाजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तानी लाहौर हो या कराची देखिए मैं हैदराबाद हो लड़का हो कोई भी शहर हो हमारी मेहमान नवाजी के हवाले से बात करें जिस तरह हमने अपने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को वेलकम किया वो लाहौर हो या कराची वो मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो क्रिकेटर्स जाते हैं इस तरह का वेलकम जो है कहीं भी नहीं होगा अच्छी लगे या बुरी लगे मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं कराचियन भी हूँ भाई बात कर रहा हूँ ना मेरी बात को पकड़ा क्यों जा रहा है मैं कह रहा हूँ कर रहे ऐसी बात है ख्वाहिश है सरहद हमारा मुल्क का एक हिस्सा है सरहद केपी के जी जी आभी के दौर में नाम जी बिल्कुल वो नाम भी हमने ही दिया केपी के पाकिस्तान का एक खूबसूरत हिस्सा है हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ पर इक्तदार में भी खूबसूरत और अच्छे लोग आएं ताकि वहाँ पर भी इंटरनेशनल क्रिकेट आप स्पोर्ट्स के हद तक रहे सियाल भाई फिर आपके लिए मुश्किल होगी फिर आप कहेंगे प्रोग्राम में बात नहीं करने अच्छा देते। वैसे अब एक आप तीनों हजरात से सवाल दहशतगर्दी करेंगे दहशतगर्दी जुबानी दहशतगर्दी अच्छा मैं आगे 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 बढ़ता हूँ एक आखिरी सवाल आप तीनों हजरात से आप क्या समझते हैं आप आगे जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ रहे हैं टीम्स आ रही हैं पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है सबसे पहला दौरा है आपको क्या लग रहा है कि ये कराची लाहौर से निकल कर या पिंडी से निकल कर दीगर शहरों में भी हमें क्या कहते हैं हैदराबाद है पिशावर है दीगर फैसलाबाद है कोयटा है मुल्तान है पिंडी है दूसरे बड़े शहर हैं तमाम शहरों में और जाना चाहिए राजे साहब जब तक अभी से अनाउंस कर दें क्या ताकि वो लोग वहाँ अपनी तैयारी करें अच्छा शिकायत कह लें क्योंकि मुझे असफर भी बता रहा था जब वो प्रोग्राम कर रहा था खुद वो फील्ड पे भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे शिकायत के मेरे ख्याल में इन चीज़ों के इनेकाद के साथ क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से हम काफ़ी दूर रहे ऑर्गेनाइज करने के हवाले से कुछ चीज़ों में हमें ना अपने आप को बेहतर करना होगा सहूलियात के हवाले से सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से अपना खाने की ना पीने की कोई चीज़ लेके जा सकते थे फिर वहाँ पर जो अरेंजमेंट किया गया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था वक्त की भी कमी थी हमारे पास और अभी फिल वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होने की वजह से भी सहूलियात उस तरह नहीं हमारे जो शायकीन थे उनको सहूलियात मायूसी हुई मैं भी अपनी फैमिली के साथ मैच देखने गया था वहाँ पीने के पानी की शदीद किल्लत थी लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े मैच में ये चीज़ें छोटी रखी नहीं मैं इन फ्यूचर की बात मैं आपको बताऊँ इन फ्यूचर इनको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी खाने पीने की अशिया भी थी
इवन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, लेट्स सपोज समोसाज और सर, लेकिन आप ये देखें, अभी मुझे अश्वर ने बताया 32,000 के क्राउड के लिए 4 वॉशरूम है वहाँ पे। अच्छा नहीं, 4 वॉशरूम नहीं थे, हर एक्वेरियम इंक्लोजर के अंदर जो है, इंक्लोजर के अंदर वो एक वॉशरूम था, और उस एक वॉशरूम में 10-10, 15-15 वॉशरूम थे, और वहाँ कोई मैंने रश नहीं देखा वॉशरूम्स में। अच्छा, दूसरा वहाँ जो मेन चीज़ थी वो ये चीज थी कि पीने के पानी की सहूलत मुयसर नहीं थी। नहीं सर, कुर्सियां बैठने के लिए नहीं थी। अगर आप अब देखें, 1,000 रुपए का नहीं सर, 1,000 रुपए का जो टिकट ले रहा था वो सीढ़ियां थी, अगर मैं गलत, वो रिलैक्स था, वो 12,000 वाले से ज्यादा रिलैक्स था, यकीन सर, रिलैक्स था या नहीं था वो बात तो अलग है ना। आप 1,000 रुपए सर दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसको बैठने के लिए अच्छी जगह, इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिल रही है 1,000 रुपए में, कुछ नहीं है सर। सवाल आपने सुना था, मैंने ये कहा कि हमने ये कराया, इसके लिए तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल अप्रिसिएशन है, लेकिन इन चीजों को जरूर हमने बेहतरीन, शेड्स नहीं थे राय साहब, निशानदेही करेंगे, इसकी जरूरत नहीं थी। देखें 2 बजे लोग, 12 बजे आपने अंदर घुसेड़ दिए, मर्जी से अगर आ गए, मर्जी से नहीं सर, आपने टाइमिंग दी थी 12 से 7 बजे तक की, नहीं वो तो बाद में आपने की, 12 से 5 आपने टाइमिंग दी है, धूप 37 सेंटीग्रेड था भाई, मैं 4 बजे पहुंच गया था फैमिली के साथ। सर आप कौन है? आप तो सर, सर मैं पब्लिक हूं। सर आप पब्लिक नहीं थे ना, आप काश पब्लिक होते तो मैं भी आपसे ये सवाल करता। सर ये पब्लिक सर्वेंट थे। चले ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापसी पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो तनाजात में फंसी हुई है, इसका फायदा किसको हो रहा है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अगर बात करें तो क्या वो इससे निकल सकेगी, और आगे आने वाले इलेक्शंस में ये जो धड़ेबंदियां, ये मुत्तहिद होकर एक परचम या एक निशान के जरिए इलेक्शन में शामिल हो सकेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते रहें बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले पीएसएल के कामयाब इनेकाद के ऊपर गुफ्तगू जारी थी, इस हिस्से में हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में बढ़ते हुए तनाज़ात जो हैं। कन्वीनर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दरख्वास्तों के ऊपर आज फैसला सुनाया, और फारूक सत्तार साहब जो हैं अब वो कन्वीनर नहीं हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। सैफ साहब आपसे आगाज़ कर लेते, आपके ख्याल में ये जो ये तनाज़ात है, वेलकम भी किया गया भादराबाद की जानिब से पीआईबी को, स्पेशली फारूक सत्तार साहब को कि आप आ जाए, आप हमारे कन्वीनर हैं, अब ये जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला भी आ गया, आप क्या देख सकते हैं, ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं या कम हो रही हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, आज मुतफ़िक़ तौर के ऊपर 5 जजों ने ये फैसला दिया कि जी कन्वीनरशिप जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल साहब के पास है, और पतंग निशान और एमकेएम का जो झंडा है वो भी भादराबाद के पास है। तो लेकिन फिर भी पूरी की पूरी राबता कमेटी और कन्वीनर खालिद मकबूल भाई और तमाम कारकुनान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को खुश आमदेद कहते हैं कि वो आएँ और अपनी जिम्मेदारी, फारूक सत्तार साहब सीनियर आदमी हैं, बहुत ही सीनियर हमारे लेजेंड्स में से हैं, वो आएँ और अपनी जिम्मेदारी, मान नहीं रहे उनके फैसलों को, हाँ उनके फैसलों को ही नहीं। देखिए आपने फिर मुझसे वही सवाल कर रहे हैं जो आपने पिछली दफ़ा किया था, 22 अगस्त के बाद जब 23 अगस्त को जब एमकेएम पाकिस्तान का जो वजूद आया बना था, उस वक्त की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के, दो अलग चीज़ें थी सर, दो अलग चीज़ें थी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा सर, मुझे नहीं, मैं सर सवाल करने की जसारत तो कर सकता हूँ ना सर, 21 तारीख को पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वजूद में आई थी या बानी को अलग कर दिया था आपने? नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो कि इस वक्त जिस शक्ल में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसमें से तो आपने, वो तो सर वही थी ना, बानी मुत्तहिदा, आपकी बात मैं मान रहा हूँ, नहीं मान रही, मैं मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत हूँ, बानी मुत्तहिदा अलग हुए, आपने अलग कर दिया जी, अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपकी बका नहीं थी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की, उसका आप उठा के देखे, उन्होंने कहा कि अब फैसले जो है शख्सी बुनियादों के ऊपर नहीं होंगे बल्कि इज्तमाई बुनियादों के ऊपर होंगे, और जो मुकम्मल राबता कमेटी कहेगी वो फैसला होगा, यानी कि फैसले की वीटो नहीं होगी। अब जो फैसले खालिद मकबूल सदीकी साहब कर रहे हैं, राबता कमेटी कर रही है, 99.999% फैसले जो है वो राबता कमेटी कर रही है। पहले क्या किया करते थे जब वो बानी थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उस वक्त बहुत कुछ होता था अपनी मर्जी, पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा, एक मिनट देखिए बात सुने राज साहब, बात ये मैंने पिछली दफा भी आपसे यही कहा था कि तमाम शख्सियतें तनसमाती शख्सियतें नहीं होती, हर आदमी जुल्फिकार अली भुट्टो या कायदे आजम या अल्ताफ हुसैन नहीं हो सकता। ये आप ये कहना चाह रहे हैं खालिद मकबूल सदीकी साहब और फारूक सत्तार साहब में वो
तलिस्माती शख्सियत नहीं है। नहीं देख अब रवैया चेंज किया ना आप कह रहे हैं सर, अल्फाजों को पकड़े नहीं सर, मैं थोड़ी यार साहब भाई जो आप बोलते हो मैं तो वो बात कर रहा हूँ यार, आप ये तो ना करें, बैठे हैं ये बात कर, आप लड़ाने के लिए बैठे हैं, मैं किससे लड़ा रहा हूँ आपको, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। बात ये है कि एक चीज एक असूल के तहत चलने की बात हो रही है, अब आप बोलेंगे क्या पिछले भी असूल ही थे, ऐसा नहीं है सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये असूल नहीं है, फारूक सत्तार साहब के नाम पे थी, हाँ। फारूक सत्तार साहब कन्वीनियर थे, आपने तो बोरिया बिस्तरा बांध के उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया, साइड के ऊपर किया वो खुद अपनी खुशी से, कुमार नवीद जमील सर ये कोई फलस्तीन से आए हैं, देखिए देखिए अपनी खुशी से गए कौन आखिर तक उनको कहते रहे कि जी आप हैदराबाद में, आपसी तनाजे से एमक्यूएम को नुकसान हुआ मजीद भी होगा, हर मौके पर कहा है फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, हर मौके पर कहा है मुतवाजन राबता कमेटी बना दी जाए, ये क्या मतलब है? देखें आप मुझे एक सवाल का जवाब दें और आप अपना याददाश्त को जरा रिवाइज कर लें कि बहादराबाद के जो अरबाब इख्तियार थे वो पीआईबी गए थे या पीआईबी वाले बहादराबाद आए थे, कब के, ये तो इतनी दफा आना जाना हुआ मुझे तो पता नहीं आपका कौन से बाकी के वाले, 99% जो है ना ये बहादराबाद वाले पीआईबी पे गए वेलकम करने के लिए कहने के लिए, लेकिन सर इख्तलाफात ही उनको थे ना, पीआईबी वालों को थे ना, पीआईबी वालों को थे, एतराजात ही उनको थे, बहादराबाद वालों को भी एतराजात, आपके कन्वीनियर थे ना सर वो, आपके उस वक्त के इलेक्टेड कन्वीनियर थे ना, उसके बाद अगर आप उठ के चले गए तो इसमें क्या का बात है, उनके बाद भाई उनको हटा दिया, ये तो अच्छा आप अच्छा वो वक्त देख रहे हैं, वरना तो राबता कमेटी ने हटा दिया, उनको राबता कमेटी ने उसके बाद हटा दिया, क्योंकि फैसले देंगे ना मेजोरिटी करेगी, राबता कमेटी फैसले करेगी, ठीक है, तो मुतवाजन राबता कमेटी से क्या मतलब है, क्या मतलब ये फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि मुतवाजन नहीं है, ये वो कह सकते नहीं, क्या मतलब वो क्या, आपको मेरे क्या समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या मतलब है उनके मुतवाजन से, क्या मतलब मुतवाजन से हो सकता है वो कहे कि 10 इनके हों और 10 उनके हों, तो झगड़ा ये आप समझते हैं कि कामरान ढिसोरी साहब का नहीं है ब्रा, अब ये अब भी वही है, देखिए काफी हद तक तो वही था, अब ये अब की बात कर रहा हूँ, आप वो स्टार्ट वैसे ही हुआ, अब तो देखिए झगड़ा जब बढ़ता है ना तो फिर चीजें बढ़ती चली जाती है, कुछ चीजें पेंडिंग हो जाती है, कुछ चीजें नहीं सामने आ जाती है, ठीक है, हमने देखा कि सेनेट के इलेक्शंस में तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा फ़ायदा उठाया, वो सीट्स के लिए हों या लोगों को अपनी तरफ करने के हवाले से, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी अगर ये इख्तलाफात और तनाज़ात रहते हैं मुत्तहिदा कम्युनिटी पाकिस्तान के हवाले से, तो वो जो आप दरवाज़े खुले रखने वाली बात होती है, तो और लोग भी आपके साथ शामिल हो सकते हैं, फारूक सत्तार साहब को भी आप दावत दे सकते हैं, देखें सियासत का हिस्सा है ये, और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सियासी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है उस सियासी सूरतेहाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर फारूक सत्तार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तशरीफ़ नहीं लाते और ज्वाइन नहीं करते और वो अपनी अगर कोई अलग पार्टी बनाते हैं, तो अब आप खुद इस चीज़ को आप तजिया करें कि जब 3 या 4 एमक्यूएम्स इलेक्शन लड़ेंगी तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, और उस वोटर आपको सपोर्ट करेगा उर्दू स्पीकिंग जो है, देखें उर्दू स्पीकिंग वोटर्स हमेशा से सपोर्ट करता रहा है और अब भी करेगा, और मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है नुमाइंदा जमात नहीं है पीपल्स पार्टी की, सिंध की नुमाइंदा जमात शहरी इलाकों की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, और हमारी ख्वाहिश है कि ये आज भी एक परचम के तले जमा हो जाएं, क्योंकि हम सियासी रवायात को बरकरार रखना चाहते हैं, हमें इस चीज़ का हम तो एक जनरल तजिए कर रहे हैं कि जब ये आपस में इनके अख्तिलाफात इस शिद्दत पर पहुँचेंगे तो यकीनी तौर पर फिर दूसरी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और ये अब तो आमिर लियाकत साहब ने भी ज्वाइन कर लिया पीटीआई को, देखिए आमिर लियाकत के हवाले से मैं आपको ये बात बताता चलूं कि वो जब पहले जा रहे थे पीटीआई में और उनको मना कर दिया गया था, तो वो उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो अच्छा आ जाए, ये वैसे ब्रेकिंग आपने दी है, ये ब्रेकिंग मैं आपको दे रहा हूँ, और किससे रब्ता हुआ ये भी बता दे चले, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि उनका राबता पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की आला क्यादत से हुआ, वो कौन है, और फयाल तारपुर साहिबा हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, कौन आप किसको कहते हैं, शैला रजा साहिबा हैं, कौन है मतलब, जी जी इसी तरह की कुव्वतें थी जिनसे कुव्वतें, हाँ सर आपके लीडर हैं आप उनको भी कुव्वतें कह रहे हैं, आप बता दें सर ये तो ना करें ना, नहीं मैं ये शैला साहब आप ऐसे तो ना करें, ये तो आप तीसरी कुव्वत तो समझ में आती है, आप विद इन पार्टी भी कुव्वतें कह रहे हैं, देखें क्यादत के यही हिस्से थे जिनका आपने नाम गिनवाया है, और आला क्यादत से उनकी मुलाकात हुई है और उनके बारे में जो तजिया किया गया, और उनके आपने क्यों नहीं लिया, नहीं सर हमें इस तरह के लोगों की कतन ज़रूरत नहीं है, हमें इज्जतदार और बावकार लोग चाहिए, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है,
इज्जतदार और बावकार और अपनी जबान पे कायम रहने वाले लोग चाहिए। अच्छा वैसे एक बात बताइए जरा, आमिर लाकर साहब के बारे में एक चीज ऐड करूंगा कि तैमूर सहैल साहब जो कह रहे थे ना, वो इनको वोटों से ज्यादा जो यकीन है हल्का बंदियों के ऊपर है, चेंज ऑफ अपना हल्का बंदी और सेंसिस के ऊपर है कि जिस तरह इन्होंने जो किया है ना उसके ऊपर इनको ज्यादा यकीन है। नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही दारे शुमारियात कर रहा है इनके ताल्लुक से। छोड़े ना इस बात को, वो सेंसस आपने कर पाए नहीं सर, सेंसस जिन इदारों ने कराया 249 पूरा कराची की आबादी कम हुई है। ये नहीं हुआ ना कराची की आबादी कम हुई है, तो आप पहले भी कभी नहीं जीते थे। नहीं वो कौन जीते थे, फारूक सत्तार कहां से मुंतखब होते थे? अब आपने लियारी को मजबूत करने के लिए 249 का सर इनका क्या ताल्लुक उसमें? सेंसस सर वफाकी हुकूमत ने करवाया, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब समझ जाए कि इन्होंने इन्होंने और इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब जीतेगी पीपल्स पार्टी। नहीं हमने और बताया आपको एक बात बताऊं राजा साहब के, मुझे भी मालूम है कि जुल्फिकार जूनियर के बारे में लोगों की क्या राय है। जुल्फिकार जूनियर कहां से आ गए? सुन ले उनका पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है? मैं बता रहा हूं ना, मैं तो लेके चल रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो आप इन्होंने तो कहा कि मैं कहता हूं बिलावल भुट्टो के बारे में लोगों की क्या राय है, आज ही की एक मैं आपको ट्वीट भेजता हूं आज की। तो ये लोगों की बात है और ये बेकार बात है। मैं आपसे पूछ रहा था यार, मैं आपको एक बात, कितना मजबूत होगी आपकी पार्टी ये भी बता देना। देखिए बात सुनो, मैं अब ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। कभी है सर बात सुने, सर बात सुने, खुदा को मानो, खुदा को मानो यार, मैं अभी कुछ और बोलूंगा कुछ और बोलूंगा तो आपको बुरा लग रहा है, चले जाएंगे। आप ना करें ना, उस तरफ जाना, आप उस तरफ ना जाए ना। अच्छा बात ये, आप जातियात पे आप खुद आ जाए ना करें ना राजा साहब। बात ये है कि आपने सवाल किया आमिर लियाकत, मैंने कहा कि सवाल आपने सुना नहीं यार। मेरा सवाल कराची के हवाले से, अब देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है वो धड़ेबंदी का शिकार है, पीपल्स पार्टी जो है वो भी करी। आप ये समझते हैं कि कराची के हवाले से ये मूव लेके आया गया है कि जो साबिक सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उनको आप अपने पास लेके आ गए, या कुछ और वजह थी? देखें ये एक मैं बताऊं, ये कोई वजह नहीं है। हो सकता है आमिर लियाकत के आने से पीटीआई को कोई फायदा ना हो। तो फिर क्यों नहीं है? अच्छा सुन लेना और हो सकता है बहुत फायदा हो। क्या मतलब, मैं एक बात कर रहा हूँ। अच्छा, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो पार्टियों में जाते किस लिए? पार्टियों में जाते किस लिए लोग? आपकी सारी पार्टी हमारी पीटीआई में आ गई, क्यों आई है? फायदे के लिए तो आई और किस लिए आई? अरे भाई जो अच्छा बात ये है, आज एक हकीकी का है पीएसपी में चला गया, तो कोई कुछ सोच के गया होगा ना। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ, इससे कोई ये रेलिवेंट नहीं है सवाल, है ना? सर क्या बेनिफिट्स हैं उनको? अच्छा बेनिफिट, आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज ए वोटर की हैसियत से। कराची की आवाम बाशऊर आवाम है, ये इलेक्शन जब होगा वो बेहतर फैसला करेगी। तो बल्दियाती सेटअप के अंदर, बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जो आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब फिर ये तसव्वुर किया जाए कि कराची की बाशऊर आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मैं बिल्कुल मानता हूँ कराची की आवाम ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, जहाँ पे एक्सेप्ट भी किया ना वहाँ रिजेक्ट नहीं किया। क्या 8 लाख वोट लेके आपने क्या तोप चला लिया साहब? एक वो एक अलग कहानी है। कहां से कहानी अलग है यार? नहीं, कौन सी बात? अभी इलेक्शन आएगा, अभी कहानी अलग है। आमिर लियाकत साहब की भी कहानी अलग है। अभी 2018 का इलेक्शन आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जितना मर्जी हल्का बनी अपनी मर्जी की करवा ले, इनको यहाँ से मुश्किल से 1 से 2 सीट नहीं मिल सकती पीपल्स पार्टी को। सिंध से कराची से की बात कर रहा हूँ मैं यार, पानी घर के अंदर पानी छिड़के जरा जाते हैं। आप तो एक मिनट सवाल पूछ रहे थे देखिए मैं आपको बताऊं, ये दोनों पार्टियां जो बात जो करती हैं 2008 में, तभी तैमूर एग्री करेंगे, 2008 में कराची से जो पीपा पार्टी को वोट पड़ा था 8.5 लाख वोट पड़ा था, एम आई राइट? बिल्कुल सही है ये। अच्छा पीटीआई को वोट पड़ा 2013 में, 2013 में पीटीआई को 8 लाख के करीब वोट पड़ा और पीपा पार्टी को 1 लाख के करीब वोट पड़ा, 1.5 लाख। सर एक मिनट ठहर जाना, बारी में बोला, खाली मुझसे ना लड़े। अच्छा एंटी एमकेएम जो वोट जो होता है
वो एक आस के ऊपर दूसरी तरफ जाता है। ये बेसिकली एंटी एमक्यूएम वोट है, 8-9 लाख वोट जो कभी इनके पास चले जाता है, पीपल्स पार्टी के पास भी जा सकता है। जी जी, किसी के पास चले आगे बढ़ते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 2002 में यही वोट एमएमए के पास गया था। अच्छा, मैं आगे आखिरी सवाल हिस्ट्री पे बाद में आते हैं। साहब भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या ये धड़ेबंदियां जो हैं, ये तनाज़ात में घिरी हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो निकल सकेगी? और बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, उस पर भी मैं चाहूँगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा जिस तरह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मैंने पिछले वही भी आपको कहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में वाहिद धड़ेबंदी खत्म हो जाएगी। जमात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान रायसुल गुजार दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।